सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग नेहा सिसोदिया। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस तीज इज कमिंग एंड अब उसकी तैयारियाँ काफ़ी, वैसे तो काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन आज मैं व्लॉग बना रही हूँ और हम क्या क्या बनाते हैं घर में खाने के लिए और उस चीज़ की मतलब लाइक पूड़ी, कचौड़ी, गुजिया, जो भी सब बनाएंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगी। वैसे तीज है परसों, बट तैयारी अभी सिर्फ बहुत पहले से शुरू हो गई है। बना रही है गुलाब जामुन, खोआ डाल के वो भी। ये हो गई हमारी तैयारियाँ गुजिया की। ये रहा हमारा मावा खोआ और मम्मी भूख के लिए तैयार कर रही हैं। हमारे गुजिया बन गई है, ये रही सुंदर सुंदर गुंजिया, सारी रेडी हो गई है, दो तीन रह गई है और मम्मी अभी गई है नीचे पापा के पास, मिठू बना रही है फिर से गुलाब जामुन, क्योंकि हमारे लड़का है मतलब एक बच्चा है हमारे घर में, वो बहुत परेशान करता है, 10-15 गुलाब जामुन बना दिए थे बट उसको और गुलाब जामुन चाहिए, फटाफट दोबारा बनाए जा रहे हैं, बता ना उस बच्चे के लिए क्या पनिशमेंट है। जा रहे हैं तड़कते भड़कते तेल में हमारी तड़कती भड़कती गुंजिया, तड़कती भड़कती मिट्टी की तड़कती भड़कती और ये मैं कर रही हूँ चावल फ्राई, यहाँ पे बन के रेडी हो गई है, आप देख रहे हो कितने अच्छे से बनी। बाकी की गुंजिया ये रही जो कि सारी फ्राई हो गई है, मिट्टू ने कर दी है। जामुन भी बन के रेडी हो गए हैं, हैप्पी तीज गाइस, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आज मैंने फास्ट किया है और आज और सुबह से हम भूखे प्यासे हैं गाइस, फास्ट में सब लोगों को ऑब्वियस ही बात है, निर्जला फास्ट है, होता है कि पानी नहीं पीते हैं, वेरी टफ, थोड़ी टाइट है गाइस, बोल नहीं सकती ज़्यादा, शूट करेंगे बट मैं ज़्यादा भी बोल नहीं पाऊँगी, वॉइस ओवर दूँगी क्योंकि अभी उतनी मेरे में एनर्जी नहीं है, बट यस वी आर ओके और अभी तैयारियाँ हम कर रहे हैं पूजा की और जैसे हो जाएगी मैं बताती हूँ।
जाकर भगवान शिव को धोती या गमछा अर्पित करना चाहिए। पार्वती जी को लहंगा ओढ़नी और सुहाग पिटारी अर्पित करके मैं नमस्कार कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि हे मुनीश्वर, मुझसे आप है गुप्त से गुप्त वार्ता चाहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अगर आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार भी नहीं है। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया है? हे प्रभु, कौन से व्रत तप या दान के पुण्य पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बात सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, हे माता पार्वती, आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख प्रदान करो, मुझे सौभाग्य प्रदान करो और मेरे सुहाग की रक्षा करो। कुमारी कन्याओं को इस प्रकार कहना चाहिए कि हे देवी पार्वती, आप मेरे इस व्रत को पूजन को स्वीकार करके मुझे मनोवांछित जीवन साथी प्रदान करो और मेरा दाम्पत्य जीवन सुखी करो। इस प्रकार के शब्दों द्वारा हो गई है आप सभी को मैंने दिखाया और आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा वो भी बताना। और सभी लोग भगवान जी से आशीर्वाद ले लो, ये लो गाइस मेरे सारे व्यूअर्स के लिए। और जिस जिसने अभी तक मेरा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द लाइक बटन, सॉरी प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू। और तब तक के लिए बने रहिए, आगे जैसा वीडियोस होगा मैं ज़रूर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। और फिर से एक बार बोलती हूँ गाइस आपको हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, लव यू ऑल। सो